हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी होम रेमेडी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है आपके बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म करने में। फ्रेंड्स, यदि आपके बालों में डैंड्रफ है और वह जा नहीं रहा है, लंबे समय से बना हुआ है, तो आप इस रेमेडी को अपनाइए। आप एक से दो बार इसका प्रयोग करेंगे तो आपके बालों से जो डैंड्रफ की समस्या है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अक्सर जो डैंड्रफ होता है वह बदलते मौसम में होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है आपके बालों में रूसी आना शुरू हो जाती है, और यदि आपके बालों में एक बार रूसी आ जाती है तो यह लंबे समय तक बनी रहती है। इससे काफ़ी ईचिंग होती है बालों में। इसके साथ ही यह आपके बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि यह आपकी स्कैल्प को डैमेज करता है और जहां पर बालों की ग्रोथ शुरू होती है उस रीग्रोथ को भी यह खत्म करती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है आपके बालों में डैंड्रफ का होना। आप इस रेमेडी को अपनाइए, यह आपके बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें से पहली चीज़ है मेहंदी। ये बिल्कुल हर्बल मेहंदी है, बिल्कुल नेचुरल है। आप चाहें तो इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं। आपको यह ब्यूटी जो शॉप होती है वहाँ पर आपको ये बहुत ही आसानी से मेहंदी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें सेकेंड चीज़ की ज़रूरत होगी वह होगा दही या फिर मठा। ये बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाता है। तो आपको सेकंड चीज़ की जो ज़रूरत होगी वह होगा दही या फिर मठा। मैंने यहाँ पर मठा लिया हुआ है। आप जब भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मठा या फिर दही आप यूज़ कर रहे हैं वह खट्टा होना चाहिए। यदि यह खट्टा नहीं है तो आपके बालों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और ये जितना ज़्यादा खट्टा होगा आपके बालों में इसका उतना ही अच्छा इफेक्ट होगा। तो आपको दूसरी चीज़ मठा या फिर दही लेना है। और आपको तीसरी चीज़ जो है वह लेना है लेमन। लेमन भी आपके बालों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप इसे डायरेक्ट अपने बालों पर यूज़ ना करके किसी चीज़ के साथ अपने बालों पर यूज़ करें तो इसका बहुत ही अच्छा जो इफेक्ट है वह आपके बालों में होता है। वैसे तो यह ऑप्शनल है, लेकिन यदि आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो यह और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको एक जो लेमन है वह ले लेना है। इसके बाद अब आप किस तरह से इसे लगाएं, तो आपको जितनी आप मेहंदी ले रहे हैं लगभग आपको उतना ही मठा लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है। इसके बाद जो आपको तीसरी चीज़ यूज़ करनी है वह है लेमन। लेमन भी आपके बालों में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। यह आपके बालों से रूसी को ख़त्म करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है आपके बालों के लिए। यह आपके बालों से रूसी को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और आप देखेंगे कि एक या दो बार आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि आपके बालों से किस तरह से रूसी जो है वह गायब हो गई है। फ्रेंड्स, रूसी यदि आपके बालों में एक बार हो जाती है तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि किस तरह से आपके बालों पर नुकसान पहुंचाती है आपके बालों को, और किस तरह से आपके बालों की हेयर ग्रोथ को डैमेज करती है और आपके बाल जो है वह झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसे मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में इसे लगाइए। आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लीजिए, और उस ग्लव्स के पहनने के बाद आप अपने बालों पर इसे लगा लीजिए। और बालों में लगाने के बाद आप एक से दो घंटे तक इसे लगे रहने दीजिए। यह बालों से पूरी तरह से रूसी को ख़त्म करेगा। इसके बाद आप नॉर्मल जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मेहंदी में इन दो चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने बालों की डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल के आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल में इस तरह का वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा।